हेलो गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू जावा 3.0। दिस इज आलोक पांडे एंड आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा CSS3 का ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ये एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं आज इस पे ही डिस्कस करेंगे कि है क्या एक्चुअली। अगर आप फ्रेशर हो तो ऑफकोर्स आपको नहीं पता होगा, अगर आप पहले से आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते होगे, आप पढ़े होगे, तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें क्या है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेंशन किया है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज यूज मेक चेंजेस इन एनी ऑब्जेक्ट। जनरली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम तब यूज करते हैं जब मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट यानी डिव हो, H1 हो, H2, H3, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो HTML पेज के अंदर हम यूज करते हैं, उसे मूव करना हो, यहाँ से वहां रोटेट करना हो, स्क्यू करना हो, कोई भी इस तरह की अगर मुझे ऑपरेशन करने हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, तो मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बहुत सारे यहाँ पे वैल्यूज होते हैं जो हम एक एक करके देखने वाले हैं, उसमें जो जो पॉसिबल ऑपरेशन जो जो कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के साथ। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, नीचे देख सकते हो, उसमें से कुछ है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 3D, नॉन एंड रोटेशन है, स्केल है, स्क्यू है, बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। यहाँ पे टोटल टू टाइप के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, पहला है 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, दूसरा है 3D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, तो वो भी हम देखेंगे। और उसमें से मैंने देखो जो मैंने मेंशन किया है कि ये सारी मैं एक एक लेक्चर्स में मेंशन करूंगा, तो सबसे पहले आज मैं रोटेट के बारे में पढ़ूंगा, ठीक है। एंड अगर शायद अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, तो इतना समझ लो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे किसी भी तरह का मूवमेंट करना हो तो मुझे ट्रांसफॉर्म यूज करना ही पड़ेगा। मूवमेंट पोजिशन को छोड़ के, मूवमेंट लाइक ट्रांसलेट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, रोटेट मुझे एक ही जगह पे रोटेट करना है, स्केल उसका साइज बढ़ाना है, छोटा करना है, स्क्यू प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, वो स्क्यू प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा। जनरली स्क्यू इसमें से कुछ ऐसे हैं जो 3D सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ 2D के लिए काम करते हैं। जैसे स्क्यू प्रॉपर्टी की बात करो तो उसमें दो पार्ट होते हैं, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई ही, यानी 2D होता है, 2D। अब ये डायमेंशन होता क्या है आपको शायद अगर नहीं पता है, तो जनरली किसी प्रॉपर्टी को अगर आप लो तो जनरली एक्स एंड वाई दो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, मतलब उसका एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, तो उसके साइज को हम इंक्रीज करते हैं चाहे लेफ्ट से राइट, तो वो हो जाता है हमारा कौन सा पोजीशन, वाई पोजीशन। टॉप टू बॉटम करते हैं तो हमारा कौन सा होता है, एक्स पोजीशन, राइट। तो जनरली आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को तीन डायमेंशन होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के तीन डायमेंशन होते हैं, लाइक एक्स, वाई एंड जेड, जैसे रोटेशन की बात करता हूं, तो ये जो तीन डायमेंशन होते हैं उसे बोलते हैं 3D, यानी 3D ऑब्जेक्ट, 3D रोटेशन, 3D और 3D स्केल, इस तरह की जो चीजें होती हैं जिसमें हम तीन तरह के मूवमेंट कर सकते हैं, तीन टाइप से मूवमेंट कर सकते हैं, वो हमारा बोला जाता है 3D ऑब्जेक्ट। एंड जिसमें सिर्फ दो तरह के मूवमेंट होते हैं वो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक्स वाई है तो सिर्फ 2D है, एक्स वाई जेड है, यानी वो 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से यहाँ से सिर्फ मतलब यही कि एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, HTML का एलिमेंट जो होते हैं, लाइक डिव हुआ, स्कैन स्पैन हुआ, इस तरह के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, सेक्शन हुआ, बॉडी हुआ, ऐसा कोई भी बॉडी, हमारा HTML की मेन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, अगर मुझे उसके साथ ऑपरेशन करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये HTML CSS3 का पार्ट है, HTML5 नहीं, CSS3 का पार्ट है, CSS का पार्ट है, तो CSS3 का पार्ट है, तो ऐसा हो सकता है किसी ब्राउजर में चले, किसी ब्राउजर में ना चले। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ट्रांसफॉर्म 2D किस किस ब्राउजर में चलता है और ट्रांसफॉर्म 3D किस किस ब्राउजर में चलता है। अगर आप गूगल यूज कर रहे हो तो 36 के ऊपर वेबकिट ब्राउजर इसके साथ प्रीफिक्स यूज होता है, आप यूज करके इसका यूज कर सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोर यूज कर रहे हो तो 3D के लिए 12 होना चाहिए वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोर का, एंड अगर 2D है तो 10 भी चलेगा, एंड सेम फायर फायरफॉक्स है तो 16 होना चाहिए 2D के लिए, एंड 10 3.5 एंड 10 होना चाहिए इसके लिए 3D के लिए, ठीक है। ऐसे ही तरह से ओपेरा एंड हमारा वेब के लिए जो सफारी होता है, दोनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बेसिक एग्जांपल अगर देखें तो मैं इसे कैसे यूज करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है, एक ड्यू लिया है, ड्यू को ट्रांसफॉर्म रोटेट दिया है 50 डिग्री। अभी यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं लाइक ट्रांसफॉर्म रोटेट, स्केल, स्क्यू, ट्रांसलेट, सबको अलग अलग मैं मेजरमेंट पे पास करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या पास किया, 50 डिग्री, मतलब 50 डिग्री तक वो रोटेट होना चाहिए, जैसे हमारा जनरली एंगल्स होते हैं वही हम यहाँ पे पास करते हैं, जनरली रोटेट के अंदर हम एंगल ही पास करते हैं, कितने एंगल मुझे उसे रोटेट करना है। सेम अगर ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के साथ तुम्हें अप्लाई करना है इसे, हो सकता है वर्जन न्यू हो या ओल्ड हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे MS
यानी माइक्रोसॉफ्ट यानी इंटर एक्सप्लोरर के लिए प्रीफिक्स आप पास कर सकते हो एमएस ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है। अगर वो गूगल है तो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा वेबकिट, गूगल हो या फिर ओपेरा हो या फिर हमारा सफारी, इन तीनों के लिए आपको प्रीफिक्स पास करना पड़ता है वेबकिट। एंड सेम अगर फायरफॉक्स है तो आपको पास करना पड़ेगा मोज, एंड अगर व्हाट इज, हाँ बस इतना ही, ओपेरा किस लिए वेबकिट ही है, ओ भी रहता है जनरली, ओ आपको पास करना पड़ता है किसके लिए, हमारा ओपेरा के लिए, ठीक है। ओ एंड गूगल के लिए वेबकिट, एंड इंटर एक्सप्लोरर के लिए एमएस, एंड फायरफॉक्स के लिए मोज। तो ये तीनों चार जो प्रीफिक्स मैं बात कर रहा हूँ ये सब आपको प्रॉपर्टी लिखने के पहले पास करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि अगर जस्ट अज्यूम करो अगर वो ब्राउजर नहीं भी समझ पाता इस कोड को, तो अगर मैं इस तरह से पास करता हूँ तो ब्राउजर अंडरस्टैंड कर लेता है और उसका जो भी इफेक्ट रहता है अप्लाई कर देता है, ठीक है। और ये वर्जन के वजह से होता है, किसी वर्जन में सपोर्ट करता है किसी वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है, तो इसे हम एक एक करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म रोटेट आज जो हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा ट्रांसफॉर्म रोटेट प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म रोटेट में हमारे पास कितने पॉसिबल ऑपरेशन है देख सकते हो यहाँ पे। पहला ट्रांसफॉर्म रोटेट जो कि उसके अंदर में ए पास किया हूँ पैरामीटर, उसका मतलब क्या है, एंगल, आपको कितना एंगल से रोटेट करना है। सेम है ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, ट्रांसफॉर्म रोटेट जेड, एंड यहाँ पे जो लास्ट वन है ट्रांसफॉर्म रोटेट थ्री डी, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों पोजिशन को पास कर रहे हैं, मतलब एक्स वैल्यू वाई वैल्यू एंड जेड पोजिशन, फिर हम एंगल पास कर, अगर मुझे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करना है तो मैं इस तरह से पास कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लास्ट वालों के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन, दैट रोटेट 3D CSS फंक्शन डिफाइंस अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव द एलिमेंट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट डिफॉर्मिंग। मतलब क्या है कि जो ट्रांसफॉर्म रोटेट 3D वाला जो प्रॉपर्टी है हम उसको यूज कर सकते हैं फिक्स्ड पोजीशन में, यानी एक्स का पोजीशन सेट कर सकते हैं, वाई का पोजीशन सेट कर सकते हैं, जेड का पोजीशन एक एक करके भी, या फिर सबको साथ में भी सेट करके फिर उसके ऊपर मैं एंगल अप्लाई कर सकता हूँ। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफाइड एंगल, कितना मूव होना चाहिए कितना रोटेट होना चाहिए वो हम किसी पर्टिकुलर जो भी एंगल पास करेंगे उसके बेसिस पे रहता है। इफ पॉजिटिव है द मूवमेंट विल बी क्लॉक वाइज, एंड अगर नेगेटिव है तो एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी यानी काउंटर क्लॉक वाइज। एंड यहाँ पे देख सकते हो x इज अ नंबर डिस्क्राइब द x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं x को वैल्यू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर डिनोटिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, किस एक्सिस को रोटेट करना है, यहाँ मुझे x यानी x की वैल्यू जहां मैंने लिखा है 3D में, किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट 3D, उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है x, अगर आप वहां पे नंबर्स पास करते हो तो हम बताते हैं कि कितना एक्सिस में कौन से एक्सिस को रोटेट करना है और कितना रोटेट करना है, डिग्री में हम उसका वैल्यू पास कर देते हैं। सेम वाई के लिए हम वाई का वैल्यू पास कर सकते हैं, एंड देन हम जेड का वैल्यू पास कर सकते हैं, फाइनली एंगल का वैल्यू, एंगल यानी नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हो सकता है, ठीक है। गुड, सो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा, ये थ्योरी पार्ट अगर ट्रांसफॉर्म रोटेट आप देख रहे हो तो, और मैं रोटेशन में इसे एक्चुअल करके दिखाता हूं तो और आपको समझ में आएगा। तो चलो हम चलते हैं अपने नोटपैड में, और मैं यहाँ पे नेटबीन्स में जनरली काम करता हूँ तो मैं नेटबीन्स में आपको दिखाऊंगा। नोटपैड एंड नेटबीन्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप चाहे तो नोटपैड यूज करो चाहे नेटबीन्स यूज करो, दोनों एक ही बातें, बस डिफरेंस इतना ही है कि ये एक तरह का आईडी है, इंटेलिजेंस यहाँ पे मिलते हैं, मतलब मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर मैं कोई चीज लिखता हूं तो मैं फटाफट लिख सकता हूं, जबकि नोटपैड मुझे सब कुछ मैनुअली टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ड्यू है बाय डिफॉल्ट, ये मेरा एचटीएमएल का पेज है, सपोज करो कि एक नोटपैड पेज है, ठीक है, अगर आपको ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो दोनों एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एचटीएमएल है टाइटल बॉडी आपको पता ही है, मेटा कर्सर यूटीएफ आपको शायद पता हो, ये हमारा कैरेक्टर सेट बताता है, एंड व्यू पोर्ट विड्थ डिवाइस इनिशियल स्केल 1.0, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और अगर नहीं भी पता है तो जब मैं बूटस्ट्रैप पढ़ूंगा तब मैं इसका यूज बताऊंगा। ये हमारा डिवाइस कंपैटिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, फिर भी अभी इतना समझ लो कि मैं यहाँ पे एक ड्यू बना रहा हूँ और ड्यू को मैं कुछ आईडी देता हूँ यहाँ पे सो दैट मैं उसको एक्सेस कर सकूँ अपने अपने CSS के थ्रू, ठीक है। सो फर्स्ट मुझे यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने दो, ओके, एंड अब मैं यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ आईडी, एंड इसको देता हूँ मैं आउटर, या फिर मैं देता हूँ सर्कल देता हूँ, ठीक है, CIRCLE, ठीक है, सर्कल दे दिया। एंड अब मैं यहाँ पे चाहिए तो कुछ नंबर्स लिख सकते हो, मैं आप सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे आलोक लिखता हूँ, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं
CSS बनाऊंगा, इंटरनल CSS, हेड के अंदर स्टाइल स्टाइल एलिमेंट के अंदर टैग के अंदर। सो यहाँ पे सिंपल लिखूँ मैं स्टाइल एंड यहाँ पे स्लैश स्टाइल एल ई। सो ये स्टाइल स्टाइल, अब मैं इसके अंदर उस आईडी के थ्रू एक्सेस करने वाला हूँ इस डिव को। तो यहाँ एक्सेस करने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा हैश, हैश के थ्रू यूज करते हैं, प्रीफिक्स हमें पास करना पड़ता है किसके लिए, आईडी के लिए। ये इंडिकेट करता है कि आईडी टाइप का जो मैंने नेम दिया है वो आईडी है एक हैश। एंड अब मुझे सबसे पहले इसका हाइट विड्थ सेट कर देना चाहिए इस डिव का। सपोज मैं लेता हूँ हाइट इसका 100%, 100 पिक्सल लेता हूँ मैं, 100 पिक्सल। एंड सेम फॉर विड्थ 100 पिक्सल लेता हूँ दोनों को, 100px सेमी कॉलन। एंड थोड़ा सा मैं स्टाइलिंग करना चाहूँगा इसको, बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करूँगा सो दैट थोड़ा सा सर्कल में दिखे। सो मैं यहाँ पे सिर्फ पास करता हूँ बॉर्डर बॉर्डर हाइफन रेडियस एंड मैं इसको देता हूँ डायरेक्ट 100px, चलेगा फिलहाल, इससे फर्क नहीं पड़ता। एंड 100px एंड फाइनली मैं इसको एक कलर देता हूँ। ये मेरा रोटेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं था लेकिन मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ सो दैट मुझे अच्छे से वो दिखे, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ सपोज येलो ग्रीन देता हूँ, चलेगा सेमी कॉलन, दैट्स ऑल। अब मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे अगर मैं इस यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी तो होगा क्या कि ये जैसे मैं पेज रन होगा वैसे ही वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो अगर मुझे क्या चाहिए जब मैं उस डिव के ऊपर होवर करूँ तब वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई हो, मतलब डिव के ऊपर मैं अपना माउस लेके जाऊँ तब वो ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट हो, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे होवर के बेस पे इसे मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा कुछ इस तरह से हैश एंड मैं सर्कल कॉलन यहाँ पे यूज करना है कॉलन हॉवर, ठीक है। एंड देन कर्ली ब्रेस। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म कॉलन रोटेट। सबसे पहले मैं पहला वाला देखूंगा रोटेट प्रॉपर्टी डायरेक्ट। ये जो रोटेट प्रॉपर्टी है सेम बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होते हैं यहाँ पे, अगर हमें वैल्यूज डिग्रीज में पास करना रहता है कितनी डिग्री, तो मैं सपोज यहाँ पे डालता हूँ 190 डिग्री, ठीक है 190 DEG आपको ये पास करना ही पड़ेगा, तो इससे ही पता चलता है कि मैं डिग्रीज में वैल्यू पास कर रहा हूँ। एंड इसका मतलब अगर आप कुछ नहीं पास करते रोटेट वाई एक्स कुछ नहीं पास करते यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने पास किया है जेड वैल्यू, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जेड रहता है, ठीक है। मतलब जो जो जेड के थ्रू जो इफेक्ट होने वाला है वही इफेक्ट अभी भी होने वाला है, ठीक है। और ये आपको पता कैसे चलेगा अभी मैं दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा, एक चीज जब रोटेट होगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे एक बार रन करता हूँ यानी एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने राइट क्लिक करके जब उसे रन करोगे तो हमारा रन हो जाता है। ये नेटबीन्स के लिए है और अगर आप नोटपैड में करो तो उसे सिर्फ सेव करो .html के थ्रू एंड फिर उसे ओपन करो ब्राउजर में। आई होप आपको इतना बेसिक नॉलेज तो पता होगा, नहीं पता है तो आप पहले की वीडियोस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म रोटेट 190 डिग्री, ठीक है। अब ये ब्राउजर मेरा लोड हो रहा है, लोड हो जाने दो। ओके ये कुछ इस तरह से मेरा आउटपुट आने वाला है, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके सो ये है मेरा आउटपुट। फिलहाल मुझे एक सर्कल में ड्यू है उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है, बाय डिफॉल्ट मैंने इसे टेक्स्ट बॉक्स को जहां पे था डिफॉल्ट जो पोजीशन है वहीं पे इसलिए कॉर्नर पे दिख रहा है, लेकिन इफेक्ट देखो जब मैं माउस ऊपर करता हूं तो टेक्स्ट रोटेट होकर नीचे आ जा रहा है 190 डिग्री तक, तो पूरा वो रोटेट होता है और यहां पे आ जा रहा है, और लेकिन मुझे सर्कल रोटेटिंग नहीं दिख रहा है। अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि अगर मैं इसका जो रोटेशन हो रहा है वो स्लो मोशन में होना चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर आप देखो यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ट्रांजिशन 1s सेमी कॉलन, जस्ट सेव इट एंड जस्ट डू इट रिफ्रेश। ओके अभी देखो ये किस तरह से रोटेट हो रहा है, मैं माउस होवर करता हूँ तो किस तरह से वो रोटेट हो रहा है, 190 डिग्री पास किया तो इस तरह से रोटेट हुआ, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे जेड लिख देता हूँ, जेड यानी मैं जेड पोजीशन को, ये 3D एक प्रॉपर्टी है रोटेशन हमारा, इसलिए मेरा एक्स वाई जेड तीनों में यूज कर सकता हूँ। एंड जाके मैं सिंपली रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी देखो वो उसी तरह से रोटेट हो रहा है जैसे हो रहा था, लेकिन अगर मैं इसे जेड की जगह एक्स वाई करता हूँ तब देखो दोनों का डिफरेंस, ठीक है।
ये स्लो मोशन में इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन 1 सेकंड दे दिया, मतलब एक 1 सेकंड के अंदर ये रोटेट होगा। अभी मैं सबसे पहले तो मैं उस टेक्स्ट को अंदर रखना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग थोड़ा सा कर दूं, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, जस्ट सेमी कॉलन एंड व्हाट एल्स सेंटर के बाद, और मुझे और क्या करना है, थोड़ा सा टॉप से मैं पैडिंग दे दूं अगर तो भी अच्छा रहेगा। सो पैडिंग हाइफन टॉप मैं देता हूँ 30 पिक्स, जिससे थोड़ा सेंटर में दिखे, एंड जस्ट से F5। ओके, जैसे पैडिंग चेंज होगा तो इसी हिसाब से ये भी चेंज हो रहा है, एंड एटलीस्ट अब मुझे पता भी चल रहा है कि वो बॉक्स रोटेट हो रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। सो ये बेनिफिट है। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ रोटेट एक्स पोजिशन, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। F5 प्रेस करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये पोजिशन में, जैसे माउस होवर करता हूँ, अब देखो कैसे वो फ्लिप हो रहा है, जैसे कॉइन्स हमारा फ्लिप होता है कुछ उस तरह से हमारा फ्लिप हो रहा है। देखो आलोक अभी भी उल्टा दिख रहा है, मतलब एक्स पोजिशन करो तो टॉप डाउन में फ्लिप हो रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर मैं वाई पोजिशन पास करता हूँ तब क्या होता है, वाई पोजिशन एंड जस्ट से सेव, अभी भी 190 डिग्री ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस बार देखो और भी आपको कुछ मज़ेदार दिखेगा। एंड मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ F5, एंड अब देखो लेफ्ट राइट पे फ्लिप हो रहा है, तो ये वाई पोजिशन है। अगर आप जेड पास करते हो तो ये सर्कल में रोटेट होता है, जैसे कोई व्हील, जैसे कोई गाड़ी का व्हील होता है उस तरह से रोटेट होता है, और अगर मैं इसे वाई पोजिशन पास करता हूँ तो ये हमारा कुछ लेफ्ट राइट में फ्लिप होता है जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं, एंड अगर मैं एक्स पास करता हूँ तो टॉप डाउन में फ्लिप होता है, ठीक है। एक्स पोजिशन टॉप डाउन, वाई पोजिशन लेफ्ट राइट, एंड फाइनली जेड पोजिशन हमारा रोटेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, एंड अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मुझे पूछ सकते हो। एंड और दूसरा देखते हैं जो हमारा लास्ट वन है, 3D। 3D में हमें कम से कम 4 वैल्यूज पास करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने 190 डिग्री पास जरूर किया है, लेकिन मुझे एरर दिखाई देती, तो ये नीचे येलो साइन जो दिख रहा है ना, उसका मतलब क्या है, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है कोडिंग में। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मुझे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स भी पास करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक्स को, मैं पास करता हूँ कॉमा, बाकी सब 0 रखता हूँ, 0, 0, 190 डिग्री। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट्स फिक्स किया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट से वो रोटेट होना चाहिए 190 डिग्री। सेव इट, जस्ट डू इट रिफ्रेश F5। अब मैं जो रन कर रहा हूँ, एक्स वैल्यू मेरा सिर्फ हो रहा है, अगर मैं साथ साथ इसके एक्स की जगह मैं सारे के सारे वैल्यूज में पास कर देता हूँ, सपोज मैं सब में 1 डालता हूँ, ओके, जस्ट से कॉमा, जस्ट सेव इट, एंड अब देखो एक्स पोजिशन ही हमने पास किया है अभी भी, एंड देखो क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों पोजिशन फ्लिप हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, लेफ्ट राइट वाला भी फ्लिप हो रहा है, एंड एज वेल एज टॉप डाउन भी फ्लिप हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने 190 डिग्री पास किया, तो इसलिए 190 डिग्री वो रोटेट तो हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, लेकिन तीन के तीनों एक साथ हो रहे हैं एक्स वाई जेड। अभी तक हम लोग क्या चेक किए, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, अब हम देख रहे हैं तीन के तीनों एक साथ, ये 3D ऑपरेशन के लिए है हमारा। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मुझे और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में। तो ये आप यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट में, आप अपने वेबसाइट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो, और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है जनरली ट्रांसफॉर्म का, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सबके ट्रांसफॉर्म के अंदर जो भी वैल्यूज है। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे स्केल प्रॉपर्टी, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है जितना इंटरेस्टिंग ये था। सो अब इसके थ्रू आप बहुत कुछ बना सकते हो, मैंने यहाँ पे बनाया है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसलिए आप इसके थ्रू बहुत कुछ बना सकते हो, आप एनिमेट कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट यूज करके कोई गेम तक बना सकते हो, छोटे मोटे गेम्स भी बना सकते हो, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो इतना इनफ है, एंड नेक्स्ट वीडियो में स्केल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का स्क्यू प्रॉपर्टी देखेंगे। तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करो, एक दिन तो प्रैक्टिस करोगे नहीं, मतलब आपको जो इच्छा करे वो करो, एंड ये वीडियो मैं शायद कल फिर से बनाऊंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट आपको जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मैसेजेस जाते रहे, एंड प्लीज शेयर करो, और जिससे और भी लोग इसके बेनिफिट्स ले सकें, समझ सकें, एंड और क्या, दैट्स ऑल।